the morning. ऐसे जानवरों की तरह क्यों उठाते? Good morning. Okay. Good morning, Splits Villains. Good morning. All three boys of the Silver Villa, Shivam, Nikhil, and Trevon, आपको मिल रहा है मौका to go on date. आप किसी भी एक सिल्वर विला की लड़की के साथ डेट पे जा सकते हो. Have fun. क्या बात. मैंने और ध्रुव ने तो उसी टाइम पे शर्त लगानी शुरू कर दी कि बता, शिवम किसके साथ जाएगा, पलक के साथ या भूमिका के साथ? निखिल किसके साथ जाएगा, पलक के साथ या भूमिका के साथ? और त्रिविंदर किसके साथ जाएगा, आरुषि के साथ या निकिता के साथ? क्या पहन रही है? कलर बताओ, मैचिंग पहनूंगा. रेड. आई डोंट हैव. वो मैंने निखिल के साथ पहन लिया. ओफो. तो ना फिर बता देना क्यों. डेट के नाम पे ब्लशिंग. मैं ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थी इस डेट के लिए, बिकॉज़ आई वाज एक्सपेक्टिंग निखिल टू कम एंड पूछते मुझे कि डेट पे चलना है, बिकॉज़ वो बहुत ऑब्वियस था कि वो सिल्वर विला में वापस आ चुका है, तो मैं निखिल के साथ ही जाऊंगी. मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है. अब आई मीन ऑप्शन है बट मैं नहीं जाना चाहती. तू किस लिए जाने वाला? पलक. पलक ने तो शिवम को हाँ बोल दिया. अरे होता हाँ, वो जिस हिसाब से खुश हो गया. मैं जाके पहले बात तो कर गया ना. मैं बस हो गया मेरा बहुत ज्यादा. मुझे ऐसा सुनने में आता है कि वो हाँ बोल चुकी है और ये लोग ट्रेनिंग करने वाले हैं, कपड़े वपड़े भी डिसाइड कर लिए हैं. मैं गया नहीं पलक के पास डेट के लिए पूछना है, ना भूमिका के पास गया. भूमिका रो रही थी जब मैं गया हूँ वहाँ पे, कि उसको लगा था मैं पलक के साथ जाऊँगा. ठीक करो, रोना वोना सुधारो, रेडी हो जाओ डेट के लिए, चलते हैं. क्या पहनूं? जो तेरे को तेरा बेस्ट आउटफिट हो पहन ले. चलो गेट रेडी, रोना वोना बंद करो, चल. I was happy कि चल ठीक है, at least he's considering कि उसको मेरे साथ perform करना है and he thinks that I'm his connection. Arshi, I wanted to say that कि आगे जाता I think I might perform with Nikita because we could be an ideal match और हम compatible भी है. लेकिन आई डोंट वांट टू फील लाइक वी वर लाइक आई वाज लाइक यूजिंग यू. बट यू गाइस थिंक यू कैन विन द नेक्स्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी चैलेंजेस एंड गो इन फ्रंट ऑफ द ओरेकल. यू कैन विन अगेंस्ट देम. सोचना पड़ेगा ऐसे. वी हैव टू बी पॉजिटिव ना, वी कांट बी नेगेटिव एंड वी लाइक हम नहीं जीत सकते यार. स्टार्ट से आई वाज थिंकिंग ट्रेवन वाज वेरी 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 स्मार्ट, बट वहां पे ट्रेवन वाज एक्टिंग सो स्टूपिड. निकिता इज नॉट अ गुड परफॉर्मर एंड दैट वाज ऑब्वियस. अगर वो निकिता के साथ कोई चैलेंज परफॉर्म करते हैं वो क्यों ही जीतेंगे वो चैलेंज. सो डेट पे जाने को तो ही वाज ऑल निकिता निकिता निकिता. बस आई वाज वेटिंग कि कब चैलेंज होगा और कब इसको पता चलेगा कि निकिता क्या करती है चैलेंजेस में. मैं वहाँ पे अच्छे से सो नहीं पाती हूँ. मेरे दिमाग में यही बात घूमती रहती है कि मेरे पास अभी तक नहीं आया डेट के लिए, कहीं भूमिका को फिर से जकूजी डेट पे ना ले जाए. तो मैं छोड़ पलक, छोड़ अपनी ईगो, अब जाके बात करो उससे. अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो क्लियर इट आउट मैन. अभी तुझे इसके साथ जाना है. मुझे अगर मैं ये गेम हारूं मीना तो मुझे इसके साथ हारना है, मुझे इसके साथ नहीं हारना. सिंपल, तुझे इसके साथ खेलना है. अरे हंस मत, हाँ या ना बोल. बाद में बोलता रहता, रोता रहता है कि नहीं वो नहीं जा रही है, ऐसा नहीं वैसा नहीं. बोल क्या. क्लियर क्लियर करो. आ जा भूमिका, तू भी आ जा, आइए बैठ जा. तो फिर इसको शिवम के साथ परफॉर्म करना पड़ेगा. सिंपल. किसको? भूमिका को. और क्या है? चली गई. वो कर रही थी, वो पहले ही रो रही थी. मैंने जाके उसको चुप कराया. मैं कहा रो क्यों रही है, तो पागल हो गई है. मेरे को लगा था कि हम गेम में आगे जाएंगे, ओरेकल के सामने हम दोनों जाएंगे. अगर वो मेरे साथ परफॉर्म नहीं करेगा तो फिर किस मतलब वो तो पॉसिबल है नहीं फिर. तो आई वाज जस्ट सो लो. मैं तीन लड़के बदल के मैं आई एम नॉट गोना परफॉर्म विद शिवम एट ऑल. यहाँ लिखवा लो, आई एम नॉट गोना परफॉर्म विद हिम. दैट्स इट. डू यू हैव फीलिंग्स फॉर हिम? आर यू क्रेजी? क्या है ओनली व्हाट परफॉर्मेंस ना. If it is, मैं पागल हूँ कि व्योम से मैं पागल हूँ से शिवम. मैं पागल हूँ फिर. बुलाओ शिवम का, बुलाइयो. मेरे को नहीं पसंद कि मेरा बंदा मैं शेयर करूँ किसी के साथ. मैं खाना नहीं शेयर करती, मैं बंदा शेयर, पानी नहीं पीती मैं किसी और का झूठा. तो मैं बंदा तो क्या ही करूँगी. पलक और निखिल को साथ में परफॉर्म करना है, तुम्हें भूमिका के साथ परफॉर्म करना है, तो तुम्हें चलेगा क्या? कहाँ चलेगा?
भूमिका उसको नहीं चलेगा, खुद को दिक्कत नहीं, मुझे तो दिक्कत थोड़ी है। भूमिका देखो पता है ऐसा लग रहा था कि भूमिका स्टार्टेड फॉलोइंग फॉर निखिल भाई, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार शायद ये वजह हो सकती है इनके इमोशनल ब्रेकडाउन की, क्योंकि निखिल भाई भूमिका के साथ डेट पे नहीं जाना चाह रहे थे, पलक के साथ जाना चाहते थे। तो क्यों यार, बात तो कर कम से कम। मेरी बात सुन, एक मिनट आराम से बात सुन। तेरी बात नहीं सुनेगी भाई, वो तेरी बात नहीं सुनेगी। तेरी बात नहीं सुनेगी। आई एम टॉकिंग टू शिवम, आई एम नॉट इवन टॉकिंग टू यू। गो अवे। यू नो व्हाट, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइयो। जो तू हरकत कर रही है ना वो कभी कोई ना करे। प्यार से बात करने आएगी तुझसे? प्यार से मुझे नहीं बात करनी, क्योंकि तुझे प्यार की भाषा पता ही नहीं ना। तुझे प्यार भी नहीं दिख रहा हम दोनों का, तुझे अपनी बीच में लगी हुई है। रोने से कुछ नहीं होता, सिंपैथी लेने से कुछ नहीं होता भूमिका। फाइनली मेरे को भूमिका से अपना, मैंने कहा बाद में डील कर लूँगी, अभी वो गुस्से में है, भाड़ में जाए, मेरे को अभी अपनी डेट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। एंड मैं रेडी होती हूँ अपनी डेट के लिए, और हमें पता लगता है कि हमारी आज पूल डेट होने वाली है। She was looking very beautiful, very pretty. मेरी अखियों के समझ इशारे, मैंने तोड़ देने बॉर्डर। मतलब काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी वो। बस टाइम है थोड़ा अख मेरे उते उते, हाय रख ले सोने आवे। लव शब्द दा स्वाद आज चख ले, विच रख ले, चख ले सोने आवे। और मैं इस चीज को लेके खुश था कि अभी कोई थर्ड व्हील नहीं कर रहा है हमारे बीच में, मैं उससे प्रॉपर बात कर पाऊंगा, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर पाऊंगा, विच वॉज मच नीडेड। फाइनली इतने ड्रामों के बाद हम लोग यहाँ बैठे हैं। तुझे ऑलरेडी बोला था फ्रॉम डे वन दैट आई वांट टू बी विद यू। मैंने भी यही बोला था और मैं उस पर टिकी हुई हूँ। मैंने टिका हुआ नहीं। अरे बट मेरे को बार बार कोई ना कोई आके बोल रहा है कि अब शिवम लोगों को जाके ये चीज बोल रहा था कि तेरे और उसके बीच में कनेक्शन बन रहा है। उसने बोला है वहां पे लोगों को और लोगों ने मुझे बोला है, तो मेरे को लग रहा है कि इतनी जल्दी। ऐसे तो मैं भी बोल सकती हूँ भूमिका 100 बातें बोल रही है। क्या उसने बोला कि आई लाइक निखिल? यू स्माइल, आई कांट बिलीव यू मैन। मेरे को एक बात बता, दुनिया में एक बंदे को कोई और पसंद नहीं कर सकता क्या एक के अलावा? लाइक्स नहीं बोला, लव्स नहीं बोला। हाँ तो इसीलिए तो बोला मैंने। सी अगेन, सी मैं खुश हूँ कि हम लोग यहाँ पे बैठे हैं आज फाइनली। गेट योर बैग्स इन माय रूम, मूव इन विद यू, आई शिफ्ट विद यू, मूव, आई विन विद यू। Yes. तेरी मेरी गल्लाएं होगी मशहूर, करना कभी। I'll lose with you, है ना? I'll perform with you. Please. I'll do everything with you. मैंने उसको realize करवाया कि उसके अलावा कोई नहीं है जिस पे मैं you know villa में trust कर सकता हूँ, या villa में मैं connection भी किसी के साथ नहीं बनाना चाहूँगा अगर वो चली जाएगी तो। Simple. वहां से फिर हमने डेट को ऐसे एंजॉय करना शुरू किया। मैं था तेरी दीवानी हुई, हम झूमे बादल पार और फिर तेरे नदी हजार, मैं लहर बनूं वो दरिया उसका दिल मेरा जरिया, ना दूजा कोई। जो भी हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, जो भी अभी तक 2-3 दिन से चल रहा था, वो सब खत्म करा हमने वहीं पे। मेरा और निकिता का डेट बहुत ही जरूरी था हमारे लिए, क्योंकि हम लोग पहले से भी दोस्त थे, तो आई फेल्ट लाइक बहुत ही आसान होगा कनेक्ट करने के लिए। Finally, we get to come on a date. I've been after waiting. Like ages. Yeah, like almost at the end of it, we get to come on a date. So, honestly, मैं बहुत sure था कि I wasn't going to perform with Arushi, but actually, I wanted to pair up with you from the start of the show. Oh, really? Yeah, I did.
Like tu jaanti bhi hai, like we have like a connection and we've known each other for the last 3 years. 3 years, yeah. Yeah. So like hum log kahin na kahin we also used to flirt with each other. Yeah. I wanna like say something to you. Now, I have always had feelings for you from the start, but then. Karna Davishra Peda from the start. But I didn't know what you felt, and then Samarthya also I really liked. Yeah. But I think I suppressed my feelings for you, which were there before I had feelings Samarthya. Slowly, we both confessed to each other that we both really liked each other. I could never come up to you and tell you that I liked you, but. Yeah. But you did like me now. I did like you, yeah. Like we've been, हम लोग सबको बोल रहे हैं कि हम लोग best friend हैं, best friend हैं, best friend हैं. लेकिन मैं कब से बोलना चाहता हूँ, like no, I think मैं निक्की को, like you know, I like her more than a friend. The fact that Samruddhi बाहर निकल गई और Samarthya भी बाहर निकल गया, that was an opportunity for us, like you know. Do you ever feel like the universe works? Yeah, obviously I'm so spiritual and I'm a manifestation life coach. तो तूने ये manifest किया? Yeah. Oh girl, can that be alone? मुझे लगता है कि we can perform together. क्योंकि हमारा एक बहुत अच्छा बॉन्ड भी है एंड वी लाइक ईच अदर अ बिट टू. हेलो लग दी हरमोसा दाती पता है क्या हो गया? तू पता क्या कर रहे थे? बता दो. मैं जो वो लोग चाहते हैं ना, तू बॉस, तू यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपटीशन, ठीक है? यू नो इट राइट? जो वो लोग चाहते हैं तू वही कर रही है. ऐसे हार के जाना है क्या? जीतने आई थी ना यहाँ पे, जीतने आई थी ना. Yeah. वो शो छोड़ने की बात कर रही थी, वो घर जाना चाहती थी, पर मैंने उसे समझाया कि यार भूमिका, यू आर अ विनर, तू इस शो को जीतने आई है. छोटी छोटी चीजों को लेकर दिल छोटा मत करो यार. मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बेवकूफी करोगे अगर आज आप घर जाओगे. डेट पे चलते हैं यार, कोई टेंशन ना ले. आपके मूड को ठीक करना मेरी जिम्मेदारी, ठीक है? ठीक है, ठीक है, चल आ जा. Now I was like, ठीक है, for game and to make a new connection again, I can try this and Shivam is so real. So why not go on a date with Shivam? एक मिनट, first things first. शायरी से शुरू करते हैं ना माहौल, थोड़ा सा एकदम गरमाया हुआ है. जो आपकी इमोशनल ब्रेकडाउन था उसको हम लोग चश्मे बदूर कर देते हैं. Let me sing a choti story, pay attention. तो आपके सारे दुखों को दूर कर देते हैं. तो शायरी कुछ इस तरह से है कि खुदा ने जब मांगने को कहा तो लोगों ने जहां लिख दिया, बारी आई मेरी तो मैंने आपका नाम लिख दिया. यार लड़कियों का हंसाने का मैं कोई मौका नहीं छोड़ता हूँ, और आज जिस लड़की का दिल उदास है उसके तो दिल में गार्डन गार्डन करके ही जाऊंगा. जैसे आपने शेर से शुरू किया, शायरी से शुरुआत करी है, अब एक और शायरी आप भी करेंगे. मेरी भी बारी है. ख्वाब आते हैं तो आप आते हैं, ख्वाब आते हैं तो आप आते हैं, जिंदगी में बहार लाते हैं. लोगों को काम है हमें तोड़ना, लेकिन हमें साथ में एक दूसरे को जोड़ना. वो वो भी मेरे लिए शायरी लेके आई थी यार, मतलब कमाल हो गया. यही तो कनेक्शन होता है. हाथ दिखाना अपना. आपको पता मैं हाथ पढ़ता हूँ. हार्ट लाइन देखते हैं. अरे यार हार्ट लाइन पे ये क्या लिखा है? शिवम. शिवम बिल्कुल क्लियरली लिखा है. कह रहे हैं, और एक मिनट ना, ये एक लड़का आने वाला है काले कपड़े पहन के. बड़ा बड़ा पहाड़ कर दिया प्यार का कबाड़. भूमिका के लिए मैंने वो सारी चीजें करी जिससे कि मैं उन्हें एक इमोशनल ब्रेकडाउन से बाहर ला सकूं, उन्हें खुश कर सकूं, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकूं. जैसे मेरा दिन शुरू हुआ था जो कि लो ब्लो के साथ था, नाउ आई वाज जस्ट सो हैप्पी कि फन किया, एंजॉय किया, बातें की. बाय द एंड ऑफ द डेट आई वाज जस्ट एक्साइटेड टू परफॉर्म विद हिम. जो होना चाहिए आशिकी का इजहार. चल क्या रहा है? शिवम आता है भूमिका को अपनी बाहों में लेकर. And I was like, ये क्या हो रहा है? कल तक ये निखिल की बाहों में नहीं थी क्या? मुझे लगा था कि भूमिका बहुत सैड होगी क्योंकि ऑब्वियसली वो निखिल से तक कनेक्ट हो चुकी है, बट ऐसा कुछ नजारा मुझे देखने को नहीं मिला. मतलब भूमिका का तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे यही इसका पहला प्यार था. हाय, मैं तेरी स्माइल पे मर गया, सोने प्रोफाइल पे मर गया.
अमेरिकन तेरा टीचिंग अमेरिकन. This is MTV Splitsvilla 13, co-powered by Philips Hair Care, Manforce, Denver Deodorants, and On Premium Innerwear. आप लोग यहाँ पर आए हैं अपने अगले गोल्डन अपॉर्चुनिटी चैलेंज के लिए. तीन कपल्स को मौका मिलेगा परफॉर्म करने का. लड़कियां चार हैं, लड़के तीन हैं. जो लड़की परफॉर्म नहीं करेगी वो सीधा डंपिंग जोन में जाएगी. तो अब ये बहुत जरूरी है कि आप किसके साथ परफॉर्म करना चाहते हैं. Right, we'll start with Nikhil. Palak sir. What? What? Yeah? When did they patch up? Like, I'm telling you, man, these guys are still playing football. They just keep passing the goal left, right, left, right. Palak, aur aap to idol match nahi hai, aap ja chuke hain Oracle ke samne. Koi baat nahi, chalega. You're okay with that, Palak? Yes. Nahi, Palak is definitely okay. What about you, Bhumika? पता नहीं सर, दोस्त ही दोस्त का गम लिया करते हैं, दोस्त ही दोस्त का गम भरा करते हैं. जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं कि दोस्त ही दोस्त को बदनाम क्या करते हैं. Shots fired. भूमिका क्योंकि हमारे शायर साहब के साथ डेट पे गई थी तो भाई साहब एक उसने मार दी शायरी, तो साथ टॉन्ट मार दी थी पूरी शायरी में. ओके पलक, आर यू ओके परफॉर्मिंग विद निखिल? Happiest. अगर आप लोग जीत गए तो सिर्फ सेफ हो सकते हो. Oracle के सामने जाने कोई फायदा नहीं है, शायद लोग आपको भेज दें. उनको पता है कि आप आइडल मैच नहीं हो, तब भी वहां पर भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. अगर लोग जबरदस्ती भेज दें, अगर हम लोगों ने नाम लिख दिया तो अब क्या क्या आइडिया दिया सर? सर थैंक यू. निखिल अब भूमिका लात मार रही है उसको. भूमिका इज द हैप्पीएस्ट राइट नाउ. अब अगर उसने फ्लिप नहीं किया तो हो गया काम. भूमिका डू नॉट स्विच. हाँ निखिल, क्या बोल रहे हो? इट्स फाइन, चलो देखा जाएगा. इट्स वेरी एविडेंट. आपका आइडियल मैच हो ही नहीं. Yeah, but they're sticking together because they like each other. But Sunny, obviously they'll have to face the consequences because they're not an idol match. No, ye pyar ka sacrifice hai, Ranvijay. Ye Nikhil ka sacrifice ho raha hai filhal. मैं तो बहुत खुश था कि इवन इफ ये जीतते हैं तो हम लोग भेजेंगे इनको ओरेकल के सामने. कंसीक्वेंसेस होंगे, दोनों में से एक तो बाहर जाएगा, जो कि मैं चाहता था निखिल ही जाए. भूमिका, आपकी कोई चॉइस है यहाँ पर कि आप रह जाएंगे अकेली? शिवम खड़े हो जाइए. सो टू आर द टफेस्ट डिसीजन आज के लिए इज Trevon टू मेक अ डिसीजन बिटवीन Arushi एंड निक्की. सो फार ही इज बीन परफॉर्मिंग विद Arushi. Arushi एंड विनिंग मोस्ट ऑफ द टाइम. यू आर विनिंग. मैं तो निकिता के साथ कंपैटिबल हूँ, तो ऑलरेडी वन स्टेप हो गया हमारा, तो अभी चांसेस वापस ज्यादा है. आर यू श्योर निक्की एट एनी पॉइंट will leave the show because uska man nahi lag raha hai pe Sam ke bagair? No, he has been there for me. And Trevon and I, hum starting se, hum show ke pehle se ek dusre ko jante bhi hain. And I've also come to the conclusion that kahin na kahin Trevon and I always liked each other thoda show ke pehle se. मुझे लग रहा था मेरा सर घूम रहा है. यहाँ तो पूरा विला ही पागल हुआ पड़ा है. तेरी चढ़ती जवानी तेरे फूटे करम. गो टू लव. यार अभी तक हम दूसरों को फुटबॉल फुटबॉल बोलते थे, अब हमारे वाले बंदे फुटबॉल वाली हरकतें कर रहे हैं. तो मैंने कहा कि यार केविन, हम कहाँ दूसरों को ऊपर उंगलियां उठाते थे, आज तो हमारे खुद के बंदे ही हरकत कर रहे हैं. मैं तो इस पे क्या ही बोलूं. Arushi. Yes. See that dumping zone? I know. आज के चैलेंज में हम ये देखना चाहते हैं कि आपकी जो दिल की धड़कनें हैं कितनी मिलती हैं. क्योंकि it's said कि अगर एक कपल जिनका आपस में कनेक्शन है आधे मिनट के लिए भी अगर वो हग करते हैं तो उनकी हार्ट बीट्स इवेंचुअली दे स्टार्ट सिंकिंग. राइट, वी वांट टू सी कि आपकी हार्ट बीट कितनी सिंक करती है एक दूसरे से. हमने इन लड़कियों से कुछ सवाल पूछे थे, हमने इनको चार ऑप्शन दिए थे ए बी सी डी. उन्होंने वो जो सही जवाब है इनको पता है, इन्होंने लिख दिया है. अब आप सबसे लड़कों से वही सवाल पूछा जाएगा, लड़कों को वो जवाब देने हैं. जितने सही दे सकते हो उतना बेटर, क्योंकि
लड़के एक जगह टंगे होंगे और लड़कियां दूसरी जगह टंगी होंगी। जैसे जैसे आपने जवाब दोगे ए बी सी या डी, आप एक रोप है जो आपकी हार्ट बीट है उसको कनेक्ट करोगे ए बी सी, ऐसे करते करते एक हार्ट बीट यहां पर हो जाएगी लड़कों की और एक हार्ट बीट लड़कियों की। हम ये देखना चाहते हैं किस कपल की हार्ट बीट सबसे ज्यादा मैच करती है। जिन दो कपल्स की हार्ट बीट ज्यादा सिंक करेगी वो दोनों जीतकर आगे चले जाएंगे, सेफ हो जाएंगे, और जो कपल हार जाएगा वो आरुषि को ज्वाइन करेगा डंपिंग जोन। Splits villains, this is your man force safety challenge. दिल है कि जानता नहीं। Guys, make sure you're safe because आप लोग लटके होंगे। You'll be wearing a harness. सारी जितने भी safety precautions हैं, they should be taken. Ready? Ready, sir. Yes, sir. Let's go. चैलेंज का पहला पार्ट था कि एक आइडियल मैच, दे हैड टू स्पिन अस अराउंड एंड दे हैड टू मेक अस डिजी, और फिर हमें ब्लाइंडफोल्ड होकर एक दूसरे को मिलना था बीच में, एंड जब दो लोग हग करते तो उनका हार्ट बीट सिंक हो जाता है। दिस वाज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द चैलेंज। गुड लक गाइस, यू कैन स्टार्ट। स्टार्ट स्पिनिंग। ओके, कम ऑन ट्रेवर, लेट्स कीप स्पिनिंग, जस्ट कीप स्पिनिंग एज फास्ट एज यू कैन, यू हैव टू रिएक्ट। ओके, ब्लाइंडफोल्डेड हो गया, आई कुड नॉट फिगर आउट मैं कहां पे खड़ा हूं, कौन कहां पे है, मुझे कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन ही नहीं था। लेकिन टर्न लेफ्ट, राइट, टर्न राइट, इनफ, टर्न राइट, टर्न राइट, टर्न राइट, टर्न राइट, 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 यस, नो, नो, स्ट्रेट, स्ट्रेट, कम स्ट्रेट नाउ, स्ट्रेट, गो राइट, गो राइट, गो राइट, कम स्ट्रेट, 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 स्ट्रेट। Let your hearts, heartbeats sink. What else? What else? What else? I love dogs. Okay. What else? Pet. Shh. Whisper. ये कुछ बोल रहे हैं ना? ये सर कान में कुछ बात कर रहे हैं वो लोग। Oye, you can't talk. Sound. कुछ बात कर रहे हैं। आधी चीजें बोल चुके हैं वो। निकिता ट्रेवर की कान में आंसर्स बोल रही है, ब्रो, ओ माय गॉड, वहां भी उसने चीटिंग कर दी, एंड लकीली सबने ये नोटिस कर लिया। ओके, ओवर, लीव, लीव। व्हाट शी टेल यू? ही सेड होल्ड ऑन, यू हैव 30 सेकंड्स, नथिंग एल्स, दैट्स इट। नो, यू गाइस कैन रिमूव योर ब्लाइंडफोल्ड्स, इट्स ओके। इतने बेवकूफ हैं, बड़े चौड़ में सर से झूठ बोल रहे थे, उनको जरा से भी शर्म नहीं आई। She's told him the answers, obviously. Did you guys forget? Oh, it could be three also. You're wearing a mic? Trevor and Nikki, जब आप दोनों ने हग किया, Nikki told you a few things. जब आप ये चैलेंज कर रहे होगे, आपके स्कोर में से -2 कर दिए जाएंगे। एंड अगर आपको सेफ होना है या वो मौका चाहिए, यू हैव टू कम फर्स्ट। शिवम, यस सर, एंड भूमिका, रेडी? यस सर, रेडी सर, फुल पावर। और ध्रुव एंड सपना, गो फॉर इट। स्टार्ट स्पिनिंग। ओके, गो। मुझे जय भाई की आवाज सुनाई दे रही है कि मुझे वो गाइड कर रहे थे, क्योंकि वो मेरे गाइड बने थे। सीधा 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 वो मुझे बता रहे कि मैं लेफ्ट जाऊं, राइट जाऊं, कहां जाऊं, बस मुझे बस जीतना था। They look so cute hugging each other. बस 30 सेकंड तक हमने एक दूसरे को होल्ड करके रखा, हग करके रखा, और अपनी जो हमारी हार्ट बीट है उन्हें महसूस करने की कोशिश करी, उसे सिंक करने की कोशिश करी। टाइम अप, छोड़ दो बस। ओके, नेक्स्ट, कैट एंड केविन, गो फॉर इट, स्पिन देम अराउंड। ओह वाओ कैट, वाओ केविन, दिस इज द चांस टू मेक आवर मास्टरमाइंड्स हेड स्पिन। आई वाज वेटिंग फॉर दिस डे सिंस डे 1। गो पलक, सीधा चल, सीधा चल, सीधा चल, सीधा, 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 थोड़ा लेफ्ट, सीधा, थोड़ा लेफ्ट, सीधा, अभी एकदम सीधा, एकदम सीधा। Nikki was going east, Palak was going west. पलक लेफ्ट, लेफ्ट, पीछे, 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 आगे, आगे, आगे।
let's see your faces. Yeah. माने ना तेरी मेरी गल्लाए होगी मशहूर करना कभी तू मुझे नजरों से दूर। ये एक कनेक्शन का चैलेंज था और मेरा और पलक का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं फुल कॉन्फिडेंट था कि ये वाला चैलेंज मैं जीत जाऊंगा, बस स्ट्रेस नहीं है। ओके डन। सच अ नाइस हग। ओके गाइस लेट्स गो। सबसे पहले जा रहे निखिल और पलक, उसके बाद भूमिका और शिवम, और लास्ट में जाएंगे ट्रेवॉन एंड निकिता। Let's go. पहला सवाल, आपकी पार्टनर के बॉडी पे कितने टैटूज हैं? ए टू, बी थ्री, सी फोर, डी वन। चलो पलक आप ही बताओ। पलक के एक ही टैटू था और वो था उसकी कमर पे, क्योंकि जब भी वो क्रॉप टॉप पहनती थी वो क्लियरली विजिबल होता था, और ये चीज मैंने डे वन पे ही नोटिस करी थी बिकॉज़ आई लाइक टैटूज। तेरी हिप वाला टैटू मुझे करता है लट्टू, ए शराब विच इश्क मिला के पीलावा। वेरी गुड, गुड स्टार्ट। निखिल क्या है वो जो टैटू जो आपको लगता है एक ही है, वो कौन सा टैटू है, क्या है? यहाँ पे ना इसी कमर पे। कमर पे क्या है टैटू? कुछ तो फायर सा बना हुआ, मैं याद नहीं क्या लिखा था। अब ये इस चीज उसको मार पड़ेगी, क्योंकि टैटू मेरा आई एम अ मेस आई कन्फेस, ये बहुत थोड़ा डिफरेंट टैटू है, सबको पता था। ये आंसर उसने सही दिया, थैंक गॉड। ये नहीं पूछा था कि क्या टैटू है, यही पूछा था कितने टैटू है। आपकी पार्टनर का फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर कौन सा है? आ जाओ जी, कितने चॉकलेट? बिफोर ही हर्ड द ऑप्शंस ही न्यू व्हाट इट वाज। फेवरेट आइसक्रीम बेचारी मांग मांग के थक गई थी मेरे से, चॉकलेट सीधा बिना सोचे समझे मैंने वो लूप लगाया और आई वाज लाइक चलो आगे। ये होता है असली कनेक्शन, जोरदार तालियां इनके लिए। Trevor, Nikita, this is not good for you guys. आपकी पार्टनर किस तरह के मूवीज पसंद करती है? A comedy, B action, C romance, D sci-fi. Okay. आप बता दो. Romantic, C. Oh. C romance. क्या बात है, दोनों का रोमांस क्या चल रहा है अभी है? सारे जवाब सही। By God, एक के बाद सही जवाब निखिल देता जा रहा था, एंड हम सब लोगों के मुंह थे कि व्हाट, ये लोग तो एक्चुअल में एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं यार। जानदा है दिल ये तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं ना रहूं मेरे बिना तू। बैक टू बैक 7 आंसर्स मैंने सही दिए थे। लिटरली मेरा मन कर रहा था कि मैं अभी कूद के जाऊं और मैं बस देखूं कि हमारी हार्ट बीट कितनी सिंक कर रही है। आपकी पार्टनर का जोडियक साइन क्या है? ओए यार। ए लीब्रा, बी लियो, सी वर्गो, या डी पाइसिस। I'm very bad at this. ये साइंस वाइंस मैं ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, ना मैंने उससे पूछा। पर बर्थ डेट पता है? पर निखिल didn't even know Palak's sun sign. Sun sign तू छोड़, he didn't even know her birthday. Like what connection is this? This is what you call a true connection. ये मुझे लग रहा है स्प्लिट सिला की अगर कहानी होती, शुरू में आप लोग एक साथ थे और उसके बाद जब भूमिका आई तो ये दो सवालों की जर्नी शुरू हुई। ये भी गलत है। ये तब की बात है तुम्हारे रिलेशनशिप में जब वो जकूजी में मसाज करा रहा था। ओके आप बता दीजिए। पाइसेस है। वर्गो है। He didn't know. हाँ यार तुम्हारी तरह से ज्यादा कनेक्शन है, भूमिका के साथ जकूजी में था उस टाइम पर। So stupid, I hate you so much. I have told everyone, मेरे को मेरा बर्थडे कोई भूलता है, मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आता है। इन में से आपकी पार्टनर को सबसे ज्यादा क्या करना पसंद है?
A kissing, B cuddling, C hugging, D sleeping. C hugging. मुझे पता था उसको हग करना बहुत पसंद है. It was a piece of cake. ये basic answers. Kids. पलक. C hugging. आ गया जकूजी से बाहर आ गया. आ गया जकूजी से बाहर आ गया. Realize हो गया. उसको पता था और उसने हगिंग पे ही थैंक गॉड उसने हगिंग पे करा. अभी उसने हगा नहीं इस क्वेश्चन पे और ये वाला पॉइंट भी हमारे पास आ जाता है. लास्ट क्वेश्चन, इफ योर पार्टनर कैचेस यू चीटिंग ऑन हर, वो क्या करेगी? ए क्राई फॉर होल डे, बी फॉरगिव यू, सी यू विल चीट टू, डी ब्रेक अप. ये बात बहुत एविडेंट थी, कोई भी लड़की ब्रेकअप करेगी. एंड पलक को मैं जानता हूँ, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए. वो आंसर मेरे को ज्यादा सोचना नहीं पड़ा, मुझे पता था वो ब्रेकअप ही करेगी. ओ भूमिका, आपको क्या लगता है? Forgive him. Forgive him? Yeah. She will forgive him? आपका जवाब? Breakup, obviously. आपकी जो हार्ट बीट है दोबारा से मिल गई. भूमिका एंड शिवम, बेस्ट ऑफ लक. पहला सवाल, आपकी पार्टनर ने किस एज में पहली बार किस किया था? ऑप्शंस है ए 16, बी 15, सी 14 या डी 18. पहला क्वेश्चन आया फर्स्ट किस का, तो मुझे लगा यार भूमिका थोड़ी सी ब्रॉड माइंडेड है और टॉम बॉयश है, तो मुझे लगा 14-15 साल में कर ली होगी बंदी ने पहली किस. आपने कहा है सी 14. अब भूमिका प्लीज गो फॉर इट. भूमिका 14 में उसका आंसर था 16 साल. कोई बात नहीं यार, इतना एक्यूरेट कौन कैसे बता सकता है यार, मैं एक दिन में कितना जान लूं. तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया रॉन्ग. अगला सवाल, आपकी पार्टनर का फेवरेट इमोजी कौन सा है? ए लाफिंग स्माइली, बी हार्ट, सी किस या डी कांट सी. और फेवरेट इमोजी की बात आती है तो मुझे लगा यार वो बहुत ज्यादा दिल फेक है, मतलब मेरी तरह ही है, तो मेरा अगर हार्ट फेवरेट इमोटिकॉन है तो उनका भी होगा. आप ही आंसर दे दीजिए. उनका फेवरेट इमोजी जो पहला सवाल था उससे आपको अंदाजा होना चाहिए था कि किस है. सेकंड क्वेश्चन रॉन्ग. आई वाज लाइक चल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आएगा लड़का अपना गेम में आएगा, दस दिनों से वो नोटिस तो कुछ तो कर रहा होगा. आपके पार्टनर का फेवरेट फीचर कौन सा है? ए आईज, बी लिप्स, सी बैक एंड डी हिप्स. भूमिका आप बताइए. अरे यार ओ माय गॉड, ऑब्वियस सी बात है लिप्स. होठों की बात चल रही है स्टार्टिंग से तो लिप्स होगा और वो मां से गेस कर रहे हैं बैक. तो आपने क्या लिखा है? बैक. वो सर बैकलेस पहनती है ना कपड़े सारे, मैं उस हिसाब से सोच रहा हूँ. क्या बात है शिवम, सबसे प्रेडिक्टेबल चीज जब गेस नहीं कर पाया तो मैंने कहा अब तो ये आगे वाले चैलेंज में बहुत खराब करने वाली. अगर आपकी पार्टनर कोई फुटवेयर होती तो वो कौन सी होती? ए वेजेस, बी हील्स, सी ग्लैडिएटर सैंडल्स और डी स्नीकर्स. यार मैंने पूरे सीजन में उसको स्नीकर्स पहनते हुए देखा है ज्यादातर जब भी वो फ्री होती है, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं स्नीकर्स इज द राइट आंसर. और आप भी लगा दीजिए भूमिका. फाइनली कहीं जाके आपकी दिल की बात जो है एक दूसरे से हो गई ऐसा लग रहा है.
पहला सही जवाब। शिवम, यू नो मी, कर सकते हैं ये हम। कि हमारी हार्ट बीट सिंक होती है। इनका जो फर्स्ट डेट था, एक डेट के बाद ही वो लोग इतना भी जान रहे एक दूसरे के बारे में, तो मेरे हिसाब से काफी है इतना एक डेट पे। Which of the following would your partner want to date? A. Ranbir Kapoor. B. Ayushman Khurana. C. Ranveer Singh. Ya D. Vicky Kaushal. Ya E. Nikhil. E. रणवीर सर एक ई का ऑप्शन दे रहे थे जो था निखिल के लिए, तो पलक की शक्ल उस टाइम देखने वाली थी, वो बार बार निखिल को देख रही थी, हमको काफी हंसी आ रही थी। और कुंडी घुमा दी है, सेफ रहना। आप भी बता दीजिए आंसर क्या है। रणवीर सिंह। रणवीर सिंह रणवीर सिंह सही जवाब है। तो रणवीर सिंह उसको भी पसंद है और मेरे को भी पसंद है, और हमने डेट पे रणवीर सिंह की बात की थी, तो समवेयर कनेक्ट होते हुए। लास्ट सवाल, मेक इट काउंट गाइस। आपकी पार्टनर के लिए परफेक्ट डेट कौन सी है? अ मूवी नाइट, अ पूल डेट, फाइन डाइनिंग या डी अ लॉन्ग वॉक? सी फाइन डाइनिंग सर। सी फाइन डाइनिंग, और जवाब सही। बूम बम, ये तुक्का था क्या? नहीं सर, वो बहुत क्लासी है ना, मैं भी बहुत क्लासी हूं, तो मैं इसकी जगह होता तो मैं भी यही चूज करता। क्या बात कर रहे हो, बड़ा बड़ा करेक्शन। जो रीजन दिया था उसने शिवम ने, मेरा दिल जीत लिया उसने वहां। तेरे दिल के इशारे ये तो पढ़ने लगी। एंड आई वाज शॉक्ड कि उसने वो बिल्कुल करेक्ट ब्रो, बिल्कुल बूम बम ब्रो। ओके शिवम एंड भूमिका, यू आर डन, नीचे आ जाओ बट सेफली आना। और 15 में से 8 सवालों के जवाब मैंने सही दिए थे, और अगर एक दिन में मैं भूमिका के बारे में इतना जान सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर मैं 10-15 दिन से उनके साथ रह रहा होता, तो यार ये पूरा 15 में से 15 नंबर आते मेरे। ट्रेवॉन एंड निकिता, फर्स्ट टाइम तो सेव हो गए। ओके, 4 से ज्यादा गलतियां नहीं कर सकते आप। निखिल की 10 जवाब सही हो गए थे, मेरे पे ज्यादा प्रेशर आ गया था, और मुझे बोल दिया गया था कि अगर 4 से ज्यादा गलत हो गए देन देयर इज नो पॉइंट कंपटीशन कंटिन्यू करके, क्योंकि ऑलरेडी मेरी डिसएडवांटेज थी कि मुझे -2 मिलने वाला है, तो द प्रेशर वाज ऑन। पहला सवाल, वेयर इज योर पार्टनर मोस्ट टिकलिश? ए स्टमक, बी इयर्स, सी नेक, डी फीट। पहले डेट कल ही हुआ था, तो मुझे टिकल करने का मौका भी नहीं मिल रहा था, कि मुझे क्या पता होगा कि वो कहाँ पे टिकलिश है यार। मैं तो फीट लिख दिया, बहुत ही जनरल सा आंसर मैंने दे दिया वहाँ पे। Go for it. किसी को आइडिया है? I mean, क्या है? नेक। नेक? Yeah. आपको पता था लेकिन ट्रेवॉन को नहीं पता। सोचा था यार ये तो हाथ से गया, पहला ही क्वेश्चन गलत गया ना, मेरा पूरा कॉन्फिडेंस वापस जीरो हो गया। नेक्स्ट, आपके पार्टनर को आपकी कौन सी आदत पसंद नहीं है? ए, he takes his time to get ready. B, he flirts with other girls. C, he doesn't communicate properly. And D, he sometimes pours. And ये तो मुझे कहीं ना कहीं पता था, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को इतनी देर से जानते हैं, तो she knows that I flirt a lot. Go for it, Nikki. Good job. B. Let's go. That is what she doesn't like about you, Trevor. We got this right. And वहाँ पे मैं prayer करता लगा, at least 8-9 और सही हो जाएंगे ना, तो आज दिन बन जाएगा। आपके partner की favorite pizza topping कौन सी है? A. Baby corn. B. Tofu. C. Bell peppers. D. Mushroom. पहले तो ये vegan है, तो इतने वेज के ऑप्शन है 4 में से, मैं तो कंफ्यूज हो गया था, मैंने ऊपर जाके कॉर्न पे डाल दिया था आंसर। Anybody, any guesses? Tofu. Tofu, who said tofu? Mushroom. Who said mushroom? Mushroom. Mushroom. आप अपनी बाकी की लड़कियों के साथ बहुत मशरूफ थे जब वो मशरूम खा रही थी। फिर से एक और गलत हो गया था, अब इतनी बेइज्जती हो रही है यहाँ पे, मेरा कनेक्शन इतना वीक दिख रहा है सबके सामने।
अगर आपकी पार्टनर को कोई एक मेकअप प्रोडक्ट पूरी लाइफ टाइम के लिए गिव अप करना पड़ा तो वो कौन सी प्रोडक्ट होगी? ए लिपस्टिक, बी आई लाइनर, सी अ कॉम्पैक्ट एंड डी नेल पॉलिश। डी नेल पॉलिश। किसी को आइडिया है? I think eyeliner. Even Nikhil knew, even Shivam knows. The answer is B, eyeliner. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि त्रिविंदर का ना तो कभी पूरा ध्यान समृद्धि पे था और ना ही कभी पूरा ध्यान निकिता पे था, तो इस वजह से निकिता के तो बहुत obvious answers रिवॉन बता ही नहीं पा रहा था। एक ऐसी चीज जो आपकी पार्टनर के बैग में हमेशा होती है। A mascara, B snacks, C lipstick, D phone. तीन ऑलरेडी रॉन्ग हो चुके हैं। बी केयरफुल। मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस था क्योंकि एक दो भी गलत हो गया ना वहां पे तो आई वॉज ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग हम लोग डंपिंग जोन में खड़े हो जाएंगे। सो कंफ्यूज बिटवीन मास्कारा एंड लिपस्टिक। ओके लॉक्ड एट डी फोन। एनीबडी एल्स? लिपस्टिक। एवरीबडी न्यू दिस वन। Scores are tied. If you get one more wrong. Come on, Trev. Think. Think, okay? Please. Okay, agla. एक ऐसी चीज जो आपकी पार्टनर बहुत मिस करती है स्पिट्सविला में। ए पेट, बी बेस्ट फ्रेंड, सी फोन, डी हर रूम। सी फोन। Actually, she misses her pet the most, not her phone. And isi ke saath, matlab, there is no chance that you guys can win. Guys, both of you are in the dumping zone. Wahan se niche utro aur seedha dumping zone mein jao. I was very tensed because Trevon aur mere bahut high chances the of us leaving and I was just really freaking sad. Main chilmila raha tha andar se kyunki aaj mujhe Oracle ke samne jane ka mauka mil sakta hai yaar, matlab main bahut zyada betab tha yaar. Mera sapna hai Oracle ke samne ek bar jaake bas poochne ka ki Oracle kya main ek ideal match hoon. All of my friends were in a dumping zone again, and day by day, it's getting tougher for me to save them. This is just getting harder and harder every day.